हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा, आप सभी ने बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन के सम्स किए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया था, सम्स को गलत तरीके से लिखा था। अब मैं आपको आज बताऊंगी कि हमें सम को लिखना कैसे होता है, ठीक है। उससे भी क्या होता है, आपका सम गलत हो जाता है अगर आप ठीक तरीके से नहीं लिखते हो तो, ठीक है। सबसे पहले हम हर सम में क्या करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेसिंग डालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे पहले प्लेसेस डालेंगे, ठीक है। तो वंस एंड टेंस हमने डाल दिया, एक एक बॉक्स में एक नंबर लिखना होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद आपको जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला सम तो आपको दिया हुआ होगा, टू नंबर्स आपको दिए हुए होंगे, उन टू नंबर्स को हमें लिखना है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 63 और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो है हमारा 25, ठीक है। तो आप ऐसे एक नंबर के नीचे एक नंबर लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम किस नंबर का टेबल पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पता है हमें नीचे वाले नंबर्स का टेबल पढ़ना होता है, तो हम नीचे वाले दोनों नंबर्स का टेबल पढ़ेंगे बारी बारी, लेकिन हम वंस से सम स्टार्ट करते हैं तो इसलिए पहले फाइव का टेबल पढ़ेंगे। फाइव का टेबल हम साइड में लिख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसान हो। सिक्स तक ही पढ़ना, उससे बड़ा नंबर नहीं है इसलिए मैंने सिक्स तक ही लिखा है, ठीक है। फाइव का टेबल सबसे पहले हमें कितने टाइम्स पढ़ना है, थ्री टाइम्स पढ़ना है। पहले वंस से स्टार्ट करते हैं हम, तो फाइव का टेबल हम पढ़ेंगे पहले थ्री टाइम्स। फाइव थ्री से कितना होता है 15, तो 15 में से हम क्या नीचे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर नीचे लिखते हैं तो फाइव लिख देंगे हम नीचे, उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। और वन चला जाएगा कैरी सात वाली लाइन में सिक्स के ऊपर। मैं एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाया, आप लोगों को क्या करना है, सम जब भी आप करेंगे एक बॉक्स छोड़ेंगे प्लेसिंग डालने के बाद, ताकि आप वहां कैरी लिख सकें, ठीक है। तो वन हमने लिख दिया यहां पर कैरी। अब फाइव का टेबल हमें कितने टाइम्स पढ़ना है, थ्री टाइम्स पढ़ लिया। अब इसी नंबर का टेबल पढ़ेंगे सिक्स टाइम्स, टेंस वाले नंबर से, ठीक है। तो फाइव का टेबल सिक्स टाइम पढ़ने से क्या आता है, 30। अब हमारे पास वन कैरी भी है तो वन हम इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 30 के आगे वन काउंटिंग गिनेंगे, तो 30 के बाद क्या आता है 31। तो 31 को कैसे लिखेंगे, वन यहां पर और थ्री अगले बॉक्स में एक ही नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी जो वंस वाली लाइन है ना, इसमें हमने एक लाइन फिल कर ली। सेकेंड लाइन में हम सबसे पहले क्रॉस लगाएंगे फाइव के नीचे, मल्टीप्लाई करा जो हमने, जो फर्स्ट लाइन चल रही है हमारी वंस वाली, उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। कुछ बच्चों ने ये नहीं लगाया था जिस वजह से उनका सम गलत हो गया था, या कुछ बच्चों ने इधर लगाया था, यहां नहीं लगाना आपको, आपका सम इस लाइन में चल रहा है तो इसी लाइन में आप करेंगे, ठीक है। तो फाइव के नीचे लगाना है क्रॉस, और फिर जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ लिखना है। अब हमें भूल जाना है कि ये वाला हमारे पास कुछ है, अब आपको क्या सोचना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको इसको ऐसे करने में पहले कंफ्यूजन हो रही है तो आप अलग से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अलग से लिखा है ना, हमने फाइव से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें टू से करना है, तो आप टू से अलग से भी कर सकते हैं। टू थ्री जा सिक्स एंड टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो 126 को अब हम इस क्रॉस के साथ में लिख देंगे। इस क्रॉस के साथ में सबसे पहले यहां पर सिक्स लिखेंगे, देन अगले बॉक्स में टू लिखेंगे, एंड देन उससे अगले बॉक्स में वन लिखेंगे। अगर आपको यहां से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, आप भूल जाते हो, तो इसको आप अलग से करके उसका आंसर यहां लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं। बेटे, जहां पर मैं ये बोल्ड लाइंस बना रही हूं, आपको सिर्फ यहीं पे लाइंस बनानी होती हैं, ठीक है। तो फाइव के नीचे क्रॉस है तो फाइव ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, देन सिक्स प्लस वन सेवन, थ्री प्लस टू फाइव, एंड वन भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आया कि हमें सम को कैसे नोट करना होता है। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। इफ वन वाटर टैंक कैन होल्ड 324 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन एट सच टैंक्स होल्ड। तो बेटा क्या है इसमें, कि एक टैंक में कितने लीटर्स ऑफ वाटर आता है, 324 लीटर्स। तो हमें बताना है कि वैसे ही एट टैंक्स में कितना पानी आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास भी टू पेंसिल्स हैं,
आपके फ्रेंड के पास भी टू पेंसिल्स है और एक और फ्रेंड है आपका, उसके पास भी टू पेंसिल्स है, तो आप तीनों के पास टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? यस, सिक्स पेंसिल्स हो गई। तो आपने क्या करा, टू प्लस टू प्लस टू, तो हमने टू को कितने टाइम्स प्लस किया, थ्री टाइम्स प्लस किया, तो थ्री टू थ्री जार कितने होते हैं, सिक्स, टू थ्री जार सिक्स, ये हम सभी को पता है। तो हम जब भी सेम नंबर को बार बार ऐड हमें करना हो तो हम ऐड ना करके क्या करते हैं, उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 324 लीटर वाटर ही आएगा, आठ टैंक है तो आठ अलग अलग टैंक्स में 324 लीटर्स ऑफ वाटर आएगा, तो 300 लीटर्स को हम बार बार प्लस ना करके, यानी कि एट टाइम्स प्लस ना करके हम क्या करेंगे, उसे एट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक वाटर टैंक में कितना पानी आता है, वन वाटर टैंक कैन होल्ड कितने लीटर्स, 324 लीटर्स। लीटर्स को हम पूरा ना लिख के लीटर्स के लिए एल यूज करते हैं, स्मॉल एल, कैपिटल नहीं, स्मॉल एल, ठीक है। अब हमें कितने टैंक्स का बताना है, एट टैंक्स का, एट वाटर टैंक्स कैन होल्ड 324 को जब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, ठीक है। अब आप इसको बॉक्सेस में सम बनाकर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हम प्लेसेस डालेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर ये वाली लाइन हम कैरी के लिए छोड़ देंगे। यहां पर हम लिखेंगे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 324, तो 324। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 हमारा वंस वाली लाइन में आएगा तो 4 के नीचे आएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आए, जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, तो उसको आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में लीटर भी लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो आपको यहां पर लिखना है। नेक्स्ट सम देखिए, अ पोस्टमैन डिलीवर्स 178 लेटर्स एवरी डे, हाउ मेनी लेटर्स डज ही डिलीवर्स इन 6 डेज। इसमें क्या बताया गया है, एक पोस्टमैन है जो एक दिन में कितने लेटर्स डिलीवर करता है, 178 लेटर्स डिलीवर करता है, तो हमें क्या बताना है कि वो 6 डेज में कितने लेटर डिलीवर करेगा। देखो फर्स्ट डे में उसने 178 डिलीवर करे, सेकंड डे में भी उसने 178 डिलीवर करे, देन थर्ड डे में भी उसने 178 डिलीवर करे, ऐसे ही उसने 6 डेज में रोज रोज कितने लेटर्स डिलीवर करे, 178 लेटर्स। तो हमें बताना है उसने टोटल कितने लेटर्स डिलीवर करे, तो टोटल निकालने के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं ना। अब देखिए यहां पर सेम नंबर बार बार प्लस हो रहा है, वो सेम नंबर कौन सा है, 178। कितनी बार प्लस हो रहा है, कितनी बार हम इसे प्लस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम इसे प्लस कर रहे हैं। तो हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 टाइम प्लस हो रहा है ना। तो हम इसे बार बार प्लस ना करके हम इसे क्या करेंगे, जितनी बार ये प्लस हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे, हमें सबसे पहले लिखेंगे पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर इन वन डे में वो कितने लेटर्स डिलीवर कर रहा है, 178, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पोस्टमैन डिलीवर्स
लेटर्स इन सिक्स डेज का निकालना है हमें। तो अभी मैंने आपको बताया सिक्स डेज का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 178 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये बॉक्सेस बनाया, आप इसको सम में लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब सम लिखना होगा, वंस टेंस हंड्रेड, सबसे पहले आप यही डालेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे किसके लिए, कैरी के लिए। अगर कैरी होता है तो हम एक लाइन छोड़ते हैं हमेशा, ठीक है, नहीं भी होता है तो आपको छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद यहां से हम सम नोट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा नंबर नोट करेंगे, 178, वंस वाले के नीचे वंस वाला नंबर, टेंस वाले के नीचे टेंस वाला, और 100 के नीचे 100 वाला नंबर। आपको इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को भी वंस वाली लाइन में ही 8 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, लाइंस डालेंगे और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इसके, मेरे यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको नीचे लिखना है, आंसर डाल के लिख देंगे कितने लेटर्स वो पोस्ट करता है, नंबर्स लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे लेटर्स। ठीक है, लेट्स सी टुडेज होमवर्क। आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 अपनी बुक में फिल करनी है, और जो आज हमने एक्सरसाइज की ना 5.7, उसके 2 क्वेश्चंस और है, वो आपको क्लास वर्क में ही अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है,